नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने खबर सुन ली होगी कि जो मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, वे इस्तीफा देने जा रहे थे और तमाम मीडिया आउटलेट्स में दावा किया गया है कि तमाम जो समर्थक थे एन बीरेन सिंह के, उन लोगों ने सीएम से उनका इस्तीफा छीन लिया। इस्तीफा छीनने के बाद इस्तीफे को फाड़ दिया और इसके बाद एन बीरेन सिंह का बयान आया कि अब वे इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर मौजूद जो पत्रकार हैं जी न्यूज़ की, शिवांगी ठाकुर, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और दावा इतना बड़ा है कि जो सुन रहा है वो सब हैरान है। देखिए, शिवांगी ठाकुर ने ट्वीट किया है, लिखा है, मणिपुर में मुख्यमंत्री राजभवन नहीं पहुंच पाए पर किसी ने भी उनके हाथ से लेटर छीनकर नहीं फाड़ा। मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले पर समर्थकों ने सड़क पहले से जाम कर रखा था, जिसके बाद वो घर के भीतर चले गए। फिर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास के गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। समर्थकों के पास मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कुछ लोग और नेता भीड़ से मिलने आए। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि आप लोग रास्ते को मत रोकिए, लेकिन लोग नहीं माने। लोग लगातार इस्तीफा ना देने की मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री को राजभवन नहीं जाने देने की बात कर रहे थे। इसमें बड़ी खबर यही है कि किसी ने भी सीएम साहब से इस्तीफा नहीं छीना, इस्तीफे को नहीं फाड़ा। लेकिन वहीं जो आज तक है, खबरिया चैनल की वेबसाइट है, उसने लिखा है, मणिपुर इस्तीफे की अटकलों के बीच आया सीएम बीरेन का बयान, समर्थक महिलाओं ने सबके सामने फाड़ा रिजाइन लेटर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का प्लान था कि इम्फाल स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा पत्र सौंपने वाले थे, लेकिन कुछ महिला समर्थकों ने उनका रास्ता रोका और इस्तीफा ना देने का अनुरोध किया। इसी बीच एक महिला ने उनका इस्तीफा फाड़ कर फेंक भी दिया है। लेकिन शिवांगी ठाकुर का बहुत बड़ा दावा है और दावा इतना बड़ा है कि जो सुन रहा है अब वही कह रहा है, क्या नाटक आखिरकार मणिपुर में चल रहा है। सुमित अवस्थी ने कोट कमेंट किया है, रिपीट, अभी शिवांगी ने फोन करके बताया कि उन्होंने पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है क्योंकि पुराने वाले ट्वीट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी और कुछ नए अपडेट आने का दावा किया जिसके कारण उनको डिलीट करना पड़ा। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसका भाव भी वही है जो पहले वाला ट्वीट किया था, कि मैं तो अभी अपनी वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफा फाड़ देने वाले विवाद पर भीड़ के सामने खड़ी रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर का ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसके मुताबिक इस्तीफा हाथ से छीन करके नहीं फाड़ा गया था। अगर इस्तीफे को हाथ से छीन करके नहीं फाड़ा गया था तो क्या है, ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं, तो क्या है? मैं आपको इस्तीफे की कॉपी दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से इस्तीफे के कई टुकड़े हुए हैं। कागज है, उस पर इस्तीफानामा लिखा गया, इस्तीफानामा है ही, और किस तरीके से फाड़ा गया है। तो अगर शिवानी ठाकुर की माने तो अगर इस्तीफे को नहीं फाड़ा गया, ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं, ये क्या है, अपने में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वे मणिपुर दौरे पर थे, कल भी वे मणिपुर गए थे और आज भी वे मणिपुर जा करके कई लोगों से मुलाकात किए। जो राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर जा करके उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और तमाम तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आप देखिए, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, मणिपुर में राहुल गांधी। इसके अलावा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है, मुश्किल वक्त में जब कोई अपना साथ देने आता है हमारी हिम्मत बन जाता है, हौसला जो है वो बढ़ाता है। तो राहुल गांधी का भी बयान आया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, प्रदेशवासियों से अपील है कि हमें शांति की ओर चलने की ज़रूरत है, मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए मैं हर मदद
करने को तैयार हूँ। और श्रीनिवास बीवी का ट्वीट आया, मणिपुर में जारी हिंसा और फसाद के कई महीनों बाद ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। काश प्रधानमंत्री ने राजधर्म का पालन करते हुए संवेदनशीलता दिखाई होती और मणिपुर जाना उचित समझा होता। आज जो है कि 60 दिन पूरे होने को है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए। अमित शाह गृह मंत्री देश के हैं, उन्होंने बकायदा एक बैठक ली थी और कहा गया था अगले कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने अपील कर दी है कि अब वहाँ पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। ये कौन से लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं, वे कौन से लोग हैं जो घरों को आग के हवाले कर रहे हैं और राहुल गांधी जा कर के मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से, पीड़ित लोगों से जिनके घर जल गए, जिनका पूरा आशियाना ही उजड़ गया। लेकिन सवाल वही है कि जो बीजेपी का आला कमान है, केंद्रीय आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वे लोग कब जाएंगे वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कब जाएंगे वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि जेपी नड्डा साहब। अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना ही राहुल गांधी अभी जो है कि कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एक नेता हैं और वे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं जा रहे हैं। और सीएम साहब का इस्तीफानामा फिलहाल वायरल हो रहा है और उनका ट्वीट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साफ कह रहे हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन शिवांगी ठाकुर का जो दावा है, जो दावा उन्होंने ट्वीट करके किया है, शिवांगी ठाकुर का साफ कहना है कि घर के बाहर जहां पर सीएम साहब रहते हैं, बीरेन सिंह रहते हैं, उनके घर के बाहर शिवांगी ठाकुर खुद मौजूद थी और शिवांगी ठाकुर ने देखा कि किसी ने भी सीएम साहब के हाथ से इस्तीफा नहीं छीना, ना ही इस्तीफे फाड़ा। और सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है कि सीएम साहब के हाथ से इस्तीफे को छीन लिया गया, इस्तीफे को फाड़ दिया गया। और आज तक भी कह रहा है कि एक महिला समर्थक थी बीजेपी की, उसने यन बीरेन सिंह के हाथों से इस्तीफा छीन करके इस्तीफे को फाड़ दिया। आप लोग क्या सोचते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या लगता है ड्रामा चल रहा है, या जो दावा आज तक के द्वारा किया जा रहा है वो सही है, या फिर जो दावा शिवांगी ठाकुर जो जी न्यूज की रिपोर्टर हैं वो कर रही हैं वो सही है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।